सीरियल कबूले में शशि कपूर को लगता है कि तनवीर की मौत का कारण आहिल उसका सौतेला भाई ही है। वो नहीं चाहता आहिल जिंदा रहे। वो हर पॉसिबल अटेम्प्ट कर रही है जो आहिल को मुसीबत में डाल सकता है। शशि ने आहिल की गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए हैं जिससे आहिल और सनम का एक्सीडेंट होते होते बचता है और वो दोनों जंगल में फंस जाते हैं। तभी एक ट्राइबल जाति से मिलते हैं। शो में इन दोनों की नज़दीकी और बढ़ रही है। आहिल और सनम अपना रोमांस स्क्रीन पे तो काफ़ी बार एक्सप्रेस करते आए हैं, पर ये डांस सीक्वेंस काफ़ी न्यू होगा। ये दोनों चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग 1 2 3 पर जल्द ही अपना डांस टेलीकास्ट करेंगे। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हिलते झुलते रहो, पीछे वाले हिलते रहो बाबा। ओके अभी बजी। हाँ लवली, क्या बात है सुरभि। ऑसम। देश ऐसा, देश ऐसा पूरा गेटअप है, तो कॉस्ट्यूम के बारे में पहले ऑडियंस से सेक्सी है कि नहीं? हाँ यस, फॉर अ चेंज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज एज सनम एंड आहिल तो हम शायद कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाते, बट वी आर सो ग्लैड दैट वी केम हियर। और फॉर अ चेंज हमें ऐसा, मतलब आउटफिट तो आहिल तो गजब लग रहा है। मतलब प्लीज आपने देखिए, एकदम सीता एकदम लग रही है। सीरियसली यार, बहुत अमेजिंग। भिक्षा मांगने आएगी अभी जल्दी। सीरियसली, और ये ऐसे तीर निकाल निकाल के हिरन मारेगा। अच्छा कितना एंजॉय कर रहे हैं यहां पे, नो धूप भी ज्यादा नहीं है थोड़ा। एक्चुअली सबसे बढ़िया बात यही है कि ज्यादा धूप नहीं है। और अभी हमें इसी बात का डर था कि अरे आउटडोर है और धूप और गर्मी और टैन वैन, मतलब काले होके वापस आएंगे कबीलों की तरह से। एक्चुअली लेकिन नहीं, कॉस्ट्यूम इतने मज़ेदार है, डांस सीक्वेंस है, और जो सीक्वेंस जो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं वो भी इतना मज़ेदार है ना कि अब उस वो पूरे, एक्चुअली इट्स अ वेरी यू नो रिलीफ वाला एक पैच होता है ना एक शूटिंग से, वो हमें मिल रहा है, मतलब विजुअली भी अच्छा लगेगा। कबूल है मैं पिछले आई थिंक एक महीने या दो महीने से इतना इंटेंस माहौल चल रहा है कि ये स्ट्रेटजी, ये उसके ऊपर मार रहा है, ये उसको मार रहा है, और मतलब ड्रामा और इमोशन, ये आई थिंक दो तीन एपिसोड जो होंगे इसके बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही फन होंगे। ब्रेक फेल कर दिया शशि कपूर ने। मेरी सौतेली बहन, सीरियसली, लेकिन सौतेली माँ, सौतेली बहन। पहली बार शशि कपूर ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। आई स्वेयर। ओके, डांस भी सीख लिया आप लोगों ने आज, उनकी तरह डांस भी कर लिया। इमेजिन ये, मतलब इतनी ढलान पर हम लोग डांस कर रहे हैं और इतना एंजॉय करके कर रहे हैं। पांव की हालत देखो तो लिटरली, बट बहुत मजा आ रहा है और गाना भी ऐसा एकदम मजेदार है। इट्स लॉट ऑफ फन, रियली रियली।